हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल है किसान भाइयों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक फार्मिंग में। किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, उसके लिए चाहते हैं आपसे माफ़ी। और आज की वीडियो में आपको बता देता हूं कि हमारी जो मेथी की फसल है, आप देख सकते हैं, इसमें फ़िलहाल चल रहा है दूसरा पानी। आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम गारवाड़ दे रहे हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं। तो इस समय किसान भाइयों, लगभग हमने बुआई से 15 दिन बाद हम इसमें दूसरा पानी देने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब ज़मीन में दरारें आ चुकी है, उसके बाद ही हम पानी दे रहे हैं। किसान भाइयों, ये जो मेथी है हमने हाथ से बिखेर के लगाई है, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर है। मैंने इसकी शायद एक वीडियो पहले भी बना के डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से पानी आ रहा है। किसान भाई, सुबह का टाइम है तो आपको थोड़ा क्लियरिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन कुछ इस प्रकार से पानी चल रहा है, देख सकते हैं। तो अब हम किसान भाई, तीसरा पानी लगभग हम इसमें एक महीना बाद लगाएंगे, जिसमें हम, आप ये सोयाबीन के पौधे देख सकते हैं, तो जो भी खरपतवार होगा वो निकालने के बाद इसमें यूरिया बिखेर के हम इसमें तीसरा पानी लगभग एक महीने बाद ही लगाएंगे। तो किसान भाइयों, आपको हमारा ये खेती करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या पुराने हो सब्सक्राइब कर देना। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारी फसल है। और किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी आप देख सकते हैं हमने इतनी रखी है, जो कि इसमें कभी फुटाव होगा। और किसान भाइयों, थोड़ी दूरी हमें रखनी चाहिए, वरना हमारी फसल काफ़ी पास पास होने से उसमें फल काफ़ी कम लगता है, तो आप ये बात विशेष ध्यान रखिए। किसान भाई, इसमें हम यूरिया डालेंगे, जिसकी वीडियो भी आपको बताएंगे। और कुछ इतने एरिया में हमने मेथी लगाई है। किसान भाई, हमने काफ़ी फसलें इस बार लगाई है, कलौंजी, धनिया, गेहूं, अलसी और मेथी आप देख ही रहे हैं, लहसुन, जो कि हम आपको समय समय पर आप अपडेट देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख देना। तो किसान भाइयों, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी मैंने, किसान भाइयों, काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। किसान भाइयों, आगे सरसों खड़ा है, उसकी वीडियो भी आपको आएगी, तो चैनल पर आप जुड़े जरूर रहे। धन्यवाद।